बिहार में डेंगू मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि बढ़ते आंकड़ों ने अब लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। राज्य में 11,000 डेंगू मरीज पाए गए हैं। डेंगू मरीजों का आंकड़ा राज्य में 11,000 के पार जा चुका है। वहीं राजधानी पटना में रिकॉर्ड 207 मरीज पाए गए। बताया जा रहा है कि अधिक जांच होने की वजह से डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी में 24 घंटे में डेंगू के रिकॉर्ड 207 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक पाटलिपुत्र अंचल में 105, बांकीपुर में 29, नूतन राजधानी में 23, कंकरबाग में 15, अजीमाबाद में 8 और पटना सिटी में 7 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले इस सीजन में एक सप्ताह पहले सबसे अधिक 178 नए मरीज पाए गए थे। इसके साथ ही पटना में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 4201 तक पहुंच चुका है। पटना में 24 घंटे के अंदर 18 नए मरीजों को संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इधर भागलपुर जिले में डेंगू मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। 7 डेंगू मरीज एलिजा जांच में संक्रमित पाए गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय के अनुसार सदर अस्पताल में 4 और मायागंज अस्पताल में 3 मरीजों की पहचान की गई है और अब तक जिले में 1064 डेंगू के मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में जांच के दौरान डेंगू के 10 नए केस की पुष्टि हुई है। वहीं एक मरीज में डेंगू के साथ चिकनगुनिया का लक्षण भी पाया गया है। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार ने इसकी पुष्टि की है। जिले में अब तक लगभग डेंगू के 281 संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि बारिश के बाद डेंगू का खतरा अधिक बढ़ जाता है। बिहार से अभी कुछ दिनों पहले ही मॉनसून की विदाई हुई है। ऐसे में डेंगू के मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बचाव और सतर्कता से डेंगू जैसी बीमारी से अपना बचाव हो सकता है। प्रभात